दो खबरों में से पहली खबर मैं उस पर बात करना चाहूंगी जरा हमें चाहूंगी यानी आप अगर ब्रीफली इसके कोई कॉमेंट करना चाहें एक फ्लाइट जो है इंडियन प्लेन मेक्स एमरजेंसी लैंडिंग डाइवर्ट की गई फ्लाइट पाकिस्तान की तरफ इंडिया की और उसमें ये पता चला कि वहां उसमें एक पैसेंजर था जिसकी कुछ मेडिकल कंडीशन ऐसी थी वो ठीक नहीं थी जिसकी बिना पर करना पड़ा और फिर उसके बाद भी पॉजिटिव है लेकिन सुमित जी मैं आपसे सवाल इसलिए कर रही हूँ कि कई मतलब ऐसी खबरें आती रही ना पहले भी कि जी वो किसी वजह से फ्लाइट जो है उसको उतरना पड़ा और फिर हमें बहुत कुछ पता चला कि जनाब बिहाइंड दी डोर्स भी बहुत कुछ हो जाता है टॉक्स भी हो जाती हैं तो कहीं ऐसा कोई चक्कर तो नहीं था देखिए आलिया जी सबसे पहले आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद जी दो ऑस्कर मिले हैं और ये इंडिया में एक रिकॉर्ड है साउथ इंडियन मूवीज दोनों को मिले हैं तो हमारा जो ऑल ओवर इंडिया सिनेमा है उपा, उभर के आ रहा है खासकर साउथ इंडियन सिनेमा में एक बहुत उभाल आया है एक बहुत बढ़िया स्तर पे आया और एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल रहा है पहले एक रीजनल सिनेमा माना जाता था रीजनल से वो नेशनल नहीं वो सीधा इंटरनेशनल हो गया तो ये एक बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए गर्व की बात है दो दो ऑस्कर मिलना और दो बड़े श्रेणी में ऑस्कर मिलना तो पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सबको बधाई देता तो, हूँ आज मैंने ट्वीट किया था सबको बधाई दी थी आपको तो और आपका धन्यवाद और ये, मैं तो यही बोलूंगा तो शुरुआत है अभी देखिए आपके प्लेन पे आते हैं देखिए आलिया जी ये पैसेंजर प्लेन था पैसेंजर प्लेनों में यूजुअली ऐसी चीज़ें नहीं होती क्योंकि पैसेंजर प्लेन में क्या होता है कि 300 लोग और बैठे हैं तो 300 सौ आंखें आपको देख रही है क्या हो रहा कौन उतरा कौन गया मेडिकल इमरजेंसी थी नहीं थी हाँ अगर कोई मिलिट्री प्लेन होता कोई छोटा डोनिया डगलस जहाज होता कोई सिस्ना होता तो तब समझ आता कि यार चार छह लोग बैठे होंगे वो आठ आंखों में वो बातें नहीं निकलेंगी जहाँ 600 सौ आंखें और क्रू को मिला के आप साढ़े सौ आंखें जोड़ दीजिए तो साढ़े छह सौ आंखों और दुनिया भर के स्पाई सैटेलाइट और अडार से छुपा के रखना बात पॉसिबल नहीं है अनफॉर्चुनेटली वो जो हमारे पैसेंजर थे उनकी डेथ हो गई इट वॉज ऑन रूट दोहा फ्रॉम दिल्ली ये मुंबई से तो बट जो अब प्रोटोकॉल एयरलाइंस में होता है जो नियरेस्ट एयरपोर्ट होता है वहां उतार के मेडिकल एड दिया जाता बट बाई द टाइम जितना मैंने देखा था या सुना

पर रियल लाइफ तो कुछ ऐसी नहीं है अच्छा ऑस्कर है, जो है हो सकता है मिल जाए लेकिन खैर ये तो हम वैसे मैंने क्योंकि एक खबर थी तो मैंने आपसे बात कर ली इसके ऊपर लेकिन जो खबर है वो उसके ऊपर अब मैं आना चाहती हूँ सर हुआ ये है कि आपकी तरफ से ये कहा गया है कि हम पाकिस्तान के साथ नॉर्मल रिलेशन रखना चाहते हैं यानी नॉर्मल नेबरिंग रिलेशन जो होते हैं वो हम रखना चाहते हैं और पाकिस्तान की तरफ से जो है वो कोई ऐसा जवाब जो है नहीं आता कोई इस तरह की खबर जो है वो उड़ती उड़ती मेरे पास मरते मतलब ये कि पब्लिश हो रही है और आप ही के मीडिया में ये पब्लिश हुई है तो मैं जानना चाहूंगी कि आप इस बारे में क्या कहते हैं कि ये जो बात कही गई है और इसमें क्योंकि अभी तो कोई ऐसा जैसी क्योंकि इसमें चले मैं आपको बताया देती हूँ एग्जैक्ट वर्ड्स ये है इंडिया वॉन्ट्स नॉर्मल नेबरली रिलेशन विद पाकिस्तान बट इस्लामाबाद इज येट टू शो सिंसियरिटी एम ई ए Uh, for, जी, of जी 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 अली जी मैंने ये समाचार पढ़ा था खबर देखी थी ये जो समाचार आया दो हमारे पड़ोसियों के संदर्भ में आया एक पाकिस्तान और एक चाइना तो चाइना को लेके भी एक टिप्पणी एक कमेंट आया है पूरा डिटेल और पाकिस्तान को लेके भी एक कमेंट एक टिप्पणी आई है देखिये चाइना की बाद में बात करते पाकिस्तान पे आते हैं देखिए पाकिस्तान में कहते हैं भाई भारत देखिये भारत की स्टेटेड पॉलिसी रिलेशन विद अवर बोथ द नेबर्स ये कोई नई पॉलिसी नहीं है स्टेटेड पॉलिसी है

और गवर्नेंस फेलियर जिस स्थिति में पाकिस्तान है जो इकोनॉमिक फेलियर से कश्मीर का नाम ले लेके ले लेके मतलब ले ले ना उसका चूरन बेच बेच के जो पीछे की कहानी है जो हालत ख़राब है उसको छुपाने का ये फिग बन गया है तीसरी बात जिससे आतंकवाद की एक्टिविटी है उनमें कोई फर्क नहीं पड़ा जो बैड टीम्स की एक्टिविटी उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा जो इंडिया के खिलाफ प्रोपोगंडा और प्रोपोगंडा और फॉल्स प्रोपोगंडा फैलाने की नेशनल इंटरनेशनल ऑडियंस पे जो भी चीज़ें वो ख़त्म नहीं हुई अगर पाकिस्तान एक अच्छा इंटेंशन दिखाएं और हमें ग्राउंड पे चेंज नजर आए जो हम माप लेंगे आपको बताने की जरूरत नहीं विल बी एबल टू सच ऑन द ग्राउंड तो हम नहीं चाहते कि आपसे कोई हमारी दुश्मनी अदावत रहे हम तो चाहते नॉर्मल रिलेशन रहे अपने घर खुश हम अपने घर खुश तो ये चीजें अमी e. ने बताई और ये स्टेट शुरू से मोदी जी की स्टेटेड पॉलिसी भी रही है पर आतंकवाद के होते हुए आतंकवाद और उसके सबसेट्स आज तो पांच छह सबसेट हमने गिना दिए आतंकवाद और उसके पांच छह सबसेट्स के होते हुए आलिया जी ये चीजें संभव नहीं है

अगर आप चाहते हैं कि एल बॉर्डर पे तनाव रहे बॉर्डर पे टेंशन रहे एल को बदलते रहो सलामी स्लाइसिंग करने की आप मंशा रखते हो कोशिश करते हो और बिजनेस एज यूजल हो वो नहीं होगा ये चाइना के फाइनेंस मिनिस्टर को चाइना के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को वो वैंगी की बात करें ये क्विंगांग की बात करे अपने दोनों को वाजे कर दिया और ये हमने कई इंटरनेशनल फोरम से बोल दिया और आज आपको मैं बता दूँ आज वर्ल्ड की सेकेंड बिगेस्ट मैनुफेक्चरिंग हब इंडिया है चाइना के बाद अगर किसी का मैनुफैक्चरिंग में नंबर आप आता ऑफिशियली वो इंडिया का आता है और अगर आप देखिए कितना डिलिंग और सप्लाई चेंज हो रहा है कितने बिजनेस इंडिया आ रहे हैं और अभी आपने देखा फॉक्सकॉन का 700 मिलियन डॉलर भी लगा रहे हैं वो इंडिया में सबसे बड़ा कारखाना खोल रहे हैं और फॉक्सकॉन क्या हाल के जी फॉक्सकॉन चाइना के फ्लैगशिप मैन्युफैक्चरिंग था जिसको दिखा दिखा के चाइना मैनुफैक्चरिंग ला देखो हमारे पास ऐसा स्टेट ऑफ आर्ट मैनुफेक्चरिंग फैसिलिटीज़ है वो इंडिया आ रही है अगर आप टेस्ला की बात करें तो टेस्ला भी अपने चाइना के प्लांट में प्रोडक्शन कम कर रहा है और सुनने में उतना ही प्रोडक्शन करेगा जितना चाइना चाइना से काम करेगा जो पहले चाइना से गाड़ी एक्सपोर्ट होती थी टेस्ला की अब वो जर्मन प्लांट्स होंगे बर्लिन में उनका प्लांट चालू हो गया लेकिन आप इजाजत तो नहीं दीना नहीं मैं आ रहा हूँ टेस्ला पे अब हमने हमने अब अब, 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 अब होंडा की बात करें अब निशान की बात करें अब माजदा की बात करें अब टयोटा की बात करें नाइक की बात करें प्युमा की बात करें ड्यूक की बात करें ये सब चाइना से निकल रहे हैं

इलॉन मस्क भागा भागा आएगा उसके पास ऑप्शन नहीं बचेगा क्योंकि अगर उसको ईवी बनानी है तो उसे लिथियम चाहिए सबसे बड़ा जखीरा दुनिया में नंबर टू हमारे यहाँ मिला अठारह जगह खुदाई चल रही है एक जगह मिला है बाकी भी अगर एक दो जगह भी मिलता है तो दुनिया में सबसे बड़ा लिथियम का जखीरा भारत में होगा और अगर आपको ईवी के बिजनेस में रहना आपको आना पड़ेगा और वैसे भी आ रहा जिसके पास रिफाइनिंग है, हमारे पास भी रिफाइनिंग है तो टेस्ला तो को यहाँ आना पड़ेगा जिसको ईवी बनानी है उसको बैटरी चाहिए राइट लिथेमाइन बैटरी चाहिए माइन बैटरी, बैटरी आपको और टेस्ला अपनी बैटरी खुद बनाता है किसी से खरीदता नहीं तो टेस्ला रोक दिया नहीं हमने तो हमारे मैंने तो आलिया जी ये तो ये मैं आपको बताऊ अपने मैं आपको दो चीजें इसमें बताऊ इसमें मेरा भी कुछ रोल था इसमें हमारे नेशनल टीवी पे बहुत बड़ी डिबेट हुई थी तो मैंने अपने प्राइम टाइम पे ये समझाया था कि टेस्ला की मंशा क्या है टेस्ला का प्यार बिजनेस रहा है ये क्यों करा फिर मैंने इस पे आर्टिकल भी लिखा था गार्डियन में और मैंने वो आर्टिकल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को हमारे जितने भी हुक्मरान है जितने पीएमओ वगैरह को टैग कर लिया था मैंने कि टेस्ला का गेम प्लान क्या है बेसिकली टेस्ला की मंशा कहती टेस्ला चाहता था मैं इम्पोर्टेड गाड़ी यहाँ लाऊ चाइना में गाड़ी बनाऊ यहाँ लाऊ हमने बोला आपको गाड़ी बनानी है आप इंडिया में मैनुफेक्चर कीजिए हमें कोई आपत्ति नहीं सब यहाँ मैनुफेक्चर करते हैं चाइना से इम्पोर्टेड गाड़ी हम यहाँ नहीं आने देंगे होगा क्या जैसे ईवी आती तो धीरे धीरे वो ईवी का मार्केट ले लेता एक बार अगर वो आर्टिकल पढ़े वो अभी अवेलेबल है

उसने बर्लिन में प्लांट क्यों लगाया जब उसका प्लांट सबसे बड़ा टेस्ला में था कहानी कहां से शुरू होती है मैं में बताता हूँ कहानी शुरू होती है आज से पांच साल साल पहले उसने कहा मैं वो बीजिंग और बेंगलोर के बीच गोते खा रहा था बीजिंग में मैं। फिर चाइना मुझे ये दे रहा है ये दे रहा है वो दे रहा है आप बोले तो मैं आप आर्टिकल भी भेज दूंगा लगा दीजिएगा लोग पढ़ लेंगे तो अब उसने फिर अल्टीमेटली डिसाइड किया बीजिंग चाइना की कम्युनिस्ट पॉलिसी थ्री स्टेज पर चलती है इंड्यूसमेंट एंट्रेपमेंट और एंड गेम

जब गाड़ियां रुकी तो उसकी जो सेल्स थी वो घट के वन थर्ड हो गई और और उसकी कम से कम पचास परसेंट नेटवर्थ उड़ गई तो उसको ये मैसेज दिया गया कि अगर तुम हमारे हिसाब से नहीं चलोगे हम तुम्हारा हवा टाइट कर देंगे देखिए चाइना में 250 सौ पचास बिलियनर गायब है जैकमा चाइना छोड़ के जापान में बैठा है आपको पता होगा तो जब ये हालत हुई तो उसने उन्ही दिनों फिर ट्विटर पर गेम शुरू कर दिया मैं इंडिया आना चाहता हूँ मुझे आने नहीं देते वो कह रहा था

दूसरी बात जब जब इसका एक लेवल आता है इसको चाइनीस कम्युनिस्ट पार्टी कुछ फंड करती है बीस तीस परसेंट प्राइस गिराता बीस तीस परसेंट प्राइस गिराने का मतलब है हमारी पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वाइप आउट हो जाती मैंने इसका गेम प्लान समझा विद फैक्ट्स फाइट्स एंड नंबर मैंने डाट के लिखा मैंने न्यूज चैनलों पर भी बोला और मैंने बिल्कुल पीएमओ वेम को टैग किया और मैं इसका आपको ये भी बताऊ मेरे आर्टिकल के लिखने के बाद और काफी उसमें हंगामा हुआ था दस या पंद्रह दिन बाद इंडिया का डिसीजन आया बोला देखो भैया

चाइना जो है वो घुसा हुआ है <laughs> क्योंकि हम आपको पता है कि बहुत सारी बहुत से लोगों बहुत कुछ कहते हैं उनकी सुने बगैर तो हम आगे नहीं बढ़ सकते कर्जों के नीचे दबे में आपको पता है आज भी हमारे जो का प्लान है वो कल नहीं हो सका देखते हैं कब होता है तो इस वजह से हम तो किसी के कहने पर ही लेकिन मैं तो कहती हूँ कि जरूर जो है वो करें उनको वो यहाँ पर आए और काम करें जो भी मतलब वो खुद तो कहाँ आएंगे लेकिन जो भी उनका उन्होंने यहाँ पे काम करना चाहते हैं शुरू करना चाहते हैं तो अच्छा मैं आपको जी देखिए मेरे लिए तो इट इज ऑलवेज नेशन फर्स्ट नेशन सबसे ऊपर है नेशन चलती रहेगी तो हमारा घर बार भी चलता रहेगा दूसरी पहली बात दूसरी बात देखिए हमने आज भी बोला अगर आप आए यहाँ कारखाना लगाए आपका स्वागत है कोई दिक्कत नहीं बट अगर आप इंपोर्टेड गाड़ी लाए और सोचे कि इंडिया ड्यूटी हटा दे और मैं यहाँ चलू वो संभव नहीं है वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर हमने उनके लिए कर दिया कल को सबके लिए करना पड़ेगा देन वी आर पुटिंग अवर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सेवन पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ जी डी पी एट रिस्क एंड मिलियंस ऑफ जॉब्स डू और मैं आपको सच बताऊ आज एलॉन मस्क इंडिया जैसे मार्केट की जरूरत है इंडिया डज नॉट नीड एलॉन मस्क और आप उनको भी चाइना की वैसे कहानी समझ आ गई है जो बदलन प्लांट है वो खोलना इसीलिए पड़ा उन्हें समझ आ गई कि चाइना के बरोसे रह के काम नहीं चलेगा और जो मैंने आर्टिकल लिखा उसमें विद डाटा विद नंबर एक एक चीज समझाई है कि क्या सेल थी कितनी थी नेटवर्थ कितनी उड़ी क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सब मैंने कर hmm. और मैं तो खुल के बोलता हूँ आप जानते हैं माई आई डोंट मीनस माई वर्ड्स चाहे एलॉन मस्क हो या कोई हो जी ये हम जरा अपने टॉपिक की तरफ वापस डाइवर्ट होते हैं कि ये जो स्टेटमेंट आई है और ये जो बात कही गई है जो हम बात कर रहे थे अभी एम ई ए की तरफ से आपकी तरफ से पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन पर तो आ, चलें चले वो तो एक अपनी जगह पर है इसी के साथ जो चाइना पे बात की गई है तो हमारी तरफ से तो चले जो फॉरेन मिनिस्टर उनकी तरफ से स्टेटमेंट दी गई है इस तरह की स्टेटमेंट्स जाती रहती है कश्मीर का मामला भी डेली बेसिस पे तो हम देखते हैं कुछ ना कुछ हो रहा होता है दोनों कंट्रीज के बीच तो चाइना की तरफ से भी क्या कोई स्टेटमेंट आई थी या कुछ ऐसा कहा गया है जिसके बिना पर उनको कहा गया है ये, वा, ये वाली बात नहीं चाइना का एक कोशिश रही है चाइना क्या चाहता है कि बॉर्डर डिस्प्यूट अलग रहे मिलिट्री टेंशन अलग रहे कारोबार अलग रहे आप इसको जोड़े ना हमने उनको बोला भैया जब तक बॉर्डर पे ये टेंशन है कारोबार वैसा ही नहीं रहेगा क्योंकि चाइना को डर क्या लग रहा है चाइना के हम थर्ड या फोर्थ बिगेस्ट पार्टनर है और हमारे साथ ट्रेड उनका सरप्लस में अराउंड सिक्सटी बिलियन हमारा ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ अगर हम निकल जाते आज की इकोनॉमी में चाइना का साठ बिलियन ट्रेड बहुत बड़ा और, और चाइना समझ रहा है कि इंडिया डिकपलिंग ऑफ सप्लाई चेंज कर रहा है धीरे धीरे देर खुद चीजें बना रहा है पहले हम क्या करते थे चाइना को हम एक ओपन कंट्री की तरह से मान लीजिए ये चीज है ये हमें चाइना में मिली हमने लाई बेचप अब हम क्या करें अपनी मैन्युफैक्चरिंग लगा रहे अपना सारा लगा रहे कुछ छोटे मोटे कंपोनेंट वगैरह चाइना से ले रहे धीरे धीरे काम कर रहे वो भी और मैं आपको बताऊं अगर आप चाइना का इंपोर्ट लिस्ट देखें उसमें चार या पांच चीजें आपको बिलियन में दिखेंगी बाकी सब मिलियंस में दिखेंगी तो इसका मतलब क्या है डिपेंडेंस नहीं है कहीं पे तो जब तक हमें बाकी सप्लाई चेन्स वगैरह मिलती है क्योंकि पहले जो गलवान के बाद रिलेशन बदल गई सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा मिलिट्री बिल्डअप अगर तेरह हजार फुट पे कहीं दुनिया में है दुनिया में सबसे बड़ा वो इंडिया और चाइना के बीच में है। तो ये दो साल से चल रहा है तो अगर वो चाहते हैं डोंट ऑल हमने ये क्लियरली कहा पहले वी थी वो फेल हो गए नए क्या हैंग क्विंग जो नया ये फॉरन अफेयर मिनिस्टर है अब वो आए हैं कि भाई आप ऐसा करें बट हमारा स्ट्रेटेजी सेम है हम देखिए हम दोनों के साथ पीस और ट्रैक्वलिटी चाहते हैं हमें तो 50 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी दिख रही है पचास साल में हम तो वहां की तरफ जा रहे हैं आलिया जी लेस देन फिफ्टीन दैर तो वी आर नॉट बॉर्दर्ड अबाउट एंगेजिंग विद पाकिस्तान एंड चाइना बट अगर आप एंगेज करोगे अगर आप तंग करोगे अगर आप हमारे कामों में रोडे अटकाओगे तो फिर हमें रिटेलिएट करना पड़ेगा जैसे गलवान हुआ हमारे बीस भाई शहीद हुए तो उनके तो एक सौ पैंतीस लोग मरे उन्होंने अब तक तो ये नहीं बताया उनके कितने लोग मरे इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो पूरा जवाब दिया गया तो बट हम लड़ाई नहीं चाहते ये स्टेटेड पॉलिसी है हम लड़ाई नहीं चाहते क्योंकि हमें अपनी डेवलपमेंट चाहिए जी हमारे पास टाइम नहीं है लड़ने वड़ने का इधर उधर जाने का बट हाँ अगर प्रवोक करेंगे अगर हमारे इरादों और हमारे मफादात पे हमला होगा तो वी विल रिटेलिएट इन अ प्रोपोर्शनल एंड मे बी इवन इन अ प्रोपोर्शनेट मैनर अगर आप अभी यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी देखे उसमें भी ये इस चीज का जिक्र किया गया है आपने देखा होगा वो तो हम बट क्या हमारी मंशा लड़ाई करने की नहीं क्या हम लड़ने बढ़ने में इंटरेस्टेड है नहीं हम अपनी तरकी में इंटरेस्टेड है हम दुनिया के, लेकिन, 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 के लीडर तो लापरवाही में भी जो है नहीं देखिये मिजाइल चल गया वो मिसाइल था देखिए एक्सीडेंट्स हो सकते हैं अनाम मिसाइल था वो उसमें कोई वॉर वगैरह नहीं लगा था और मैंने वो आई एस आर का प्रेस हुआ और यहाँ से ही कहा गया की ये तो गलती से लापरवाही से कपड़ा मार रहे थे टाकी मार रहे थे चल क्या फिर क्या करेंगे आप आप उसको मान लेंगे नहीं नहीं देखिए हम तो इंटरसेप्ट कर लेंगे ना देखिए मैंने एक सवाल देखिए अच्छा, ये बात है कि आप इंटरसेप्ट कर लेंगे हमने नहीं किया

वो दिन निकल गए ऐसा कभी मोदी का भारत है किसी की सुनता नहीं है पहली बात देखिए आलिया जी मिनट सत्तावन सेकंड वो आपके एयर स्पेस में था मैंने ISPR के वो जो जनरल साहब थे उनका इट स्टार्टेड फ्रॉम आई एस पी देयर केन मैंने जनरल साहब से सवाल पूछा था आपके माध्यम से और बाकी चैनलों से मगर जनरल साहब ये बताए ये तो दो डॉलर का घटिया चाइनीज रडार भी बदलेगा मिसाइल कहां चल रही है बट वॉट डिड यू डू इन थ्री मिनटी सेवन सेप्टेड हाँ। लॉजिक लौ, है अगर या या वेट कर रहे थे जब गिरेगा तब पता खड्डा सड़कों हो तो है, है। हो हाँ, पर वो पे होते हैं वाला हैलिया जी वो बच्चों वाला वीडियो भी आया है दो बच्चों वाला वो तो देख के मैं तो खुद ही मैं तो चक्कर खाके गिरने वाला था मेरी तो खुशी है

कि तीन मिनट सत्तावन सेनेट सेकंड तक जनरल साहब आप क्या कर रहे थे गड्ढा होने का वेट कर रहे थे तब बता दे कि गड्ढा कितना बड़ा था मिसाइल उतना बड़ा था हमारी मैंने आपको बता तो दिया, दिया क्या कर रहे थे मैंने आशे आशे। आपको बताया नहीं ओके सुमित जी थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू